हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम फिर आपके सामने एक नया वीडियो, धमाकेदार वीडियो लेके आ चुके हैं। दीपावली के अवसर पे चल रहा है वीडियो। क्या है आज हम लोग पढ़ेंगे, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा, मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल जब आपका बेस के साथ रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, इसको आज पूरी तरह से डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं किधर, मेटल और एसिड का क्या पढ़ेंगे। मेटल, मेटल को देखेंगे तो इस पेन से लिखते हैं, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, पूरे बेसिक से पढ़ेंगे और पूरे अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे कि मेटल कैसे कैसे रिएक्शन कर सकते हैं एसिड के साथ, बेस के साथ कैसे रिएक्शन करता है, क्या फॉर्म करता है, आप पूरे तरह से पढ़ेंगे। फिर आपको कभी भी ऐसा रिएक्शन में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है, इसलिए आप अपनी नजरें और दिमाग दोनों को यहाँ पे कंसंट्रेट करें, मेरी बातों को अच्छे सुने और देखें। जैसे हम लोग नंबर वन क्या करने वाले हैं, मेटल। अब आपको तो बता चुके हैं मेटल के बारे में, आप तो आपको पता होगा मेटल किसको कहते हैं, आसानी से बता सकते हैं क्या, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड के बारे में। मेटलॉइड टोटल 8 होता है, वही बता चुके हैं किसके थ्रू, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। उसके अलावा अब जितना भी पीरियोडिक टेबल में जितना भी गैसेस एलिमेंट है वो सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं और बाकी के बचे सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। फिर आपको ये भी बता चुके हैं उस पूरे मेटल में पूरे मेटल रिएक्शन कभी नहीं करता है, जो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें गौर से देखिएगा सिर्फ 14 ऐसे एलिमेंट है वो मेटल के रूप में जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें से भी आप 5 को छोड़ दीजिए हाइड्रोजन से पहले जो बता चुके हैं, 9 एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल के रूप में वही सिर्फ रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। कहने का मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल है उसमें से अगर बोला जाए अच्छे से रिएक्शन कर सकता है, टोटल 9 ही ऐसे रिएक्शन कर सकते हैं, वो भी आपको बता चुके हैं कौन कौन, केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता, ये इतना तक। मान देखे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 यही सिर्फ 9 ऐसे मेटल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसके आगे जो लिखा है तो वो रिएक्शन सबके साथ रिएक्शन नहीं करता है, आगे समझ में, इसी को ध्यान में रखना है। आप 8 से लेकर 12 तक और आगे जहां तक पढ़े आपको सब जगह रिएक्शन में सिर्फ यही इसी में से कोई मेटल आपको दिखेगा, आगे समझ में आप, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होने वाला है आगे। ठीक है, आप देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसे मिटाते हैं। आप चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं मेटल का, अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या काम करेगा, मेटल का किसके साथ, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो इधर हम लोग का प्रोडक्ट में क्या बनेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे समझेंगे, बहुत बेसिक तरह से समझेंगे, पूरे प्योर बेसिक से, आपको कहीं दिक्कत ना होने देंगे। बता दे 9 एलिमेंट अभी मेटल लिखे थे उसी का तो हम लोग को यूज करना है, क्या करें, कोई भी मेटल है जो पार्टिसिपेट कर सके, जैसे यहाँ पे हम ले लिए किसको, हमने लिए किसको, पोटेशियम को ले लिए, किसको ले लिए, यहाँ पोटेशियम मेटल ले लिए। आप देखिए यहाँ पे नॉन मेटल बोल रहा है, नॉन मेटल हम लोग किसको बोलते हैं, जो पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी गैसेस एलिमेंट है वो सारे के सारे नॉन मेटल अधातु होते हैं। अब क्या करें उसको हम लोग लिख ले, किसी को लिख ले, जैसे हम लिख लेते हैं Cl2 को, किसको, क्लोरीन को, गैस होता है ना, अधिकांश गैस ऐसे नॉर्मल Cl के रूप में नहीं रहता, Cl का मतलब आयन के रूप में रहता है, अधिकांश जो गैस होता है या तो 2 के फॉर्म में होगा, मतलब कंबाइंड फॉर्म में होता है, आगे समझ में, गैसेस कंबाइंड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र फॉर्म में रहेंगे कभी Cl अकेला ऐसे नहीं रहता, वो हमेशा ऐसे रहेगा आगे। फिर कोई फ्लोरिन है ऐसे नहीं रहता, F2 के रूप में क्लोरिन ऐसे रहता है, इसलिए इसको इस रूप में लिख दिए, इसलिए स्वतंत्र रूप में रह सकता है, अगर स्वतंत्र रूप में नहीं रहना है तो वो ऐसे रहेगा Cl- के रूप में, आगे समझ में, ये भी खत्म। अब इसको करेंगे तो गौर से देखिए यहाँ पे क्या, अब इसको हम लोग चेक करते हैं इसका क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कराते हैं। जब तक रिएक्शन कोई एलिमेंट नहीं करेगा तब तक वो किस फॉर्म में होता है, तब तक वो आपको न्यूट्रल फॉर्म में होता है, मतलब उदासीकरण में होता है, उदासीन होता है। गौर से देखिए ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो अपना चार्ज को दिखाएगा, क्या दिखाएगा, अपने चार्ज को, तो क्या दिखाएगा, पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है बता चुके, +1, किसी को नहीं मालूम है तो ये भी बता दे, कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, उसके थ्रू आप जान जाइएगा उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एस होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, पी होगा तो वो भी बता चुके हैं, इसलिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, हम वीडियो डाल चुके हैं, वहां जाके देखिए समझिए, फिर यहाँ पे पढ़ लीजिए।
अब ये लिख दिए, यहां पे गौर से क्या लिखा, क्लोरीन क्लोरीन पर कितना होता है माइनस वन, लिख दिए। अब देखिए क्या करें, सिंपल सी बात है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, इसका एक को यहां रखिए, अब क्या कर दे डायरेक्ट यहां पे लिख देते हैं, इसका एक को यहां, इसके एक को यहां रखिए, और ये दोनों क्या करेगा अभिक्रिया कर लेगा, क्या बना दिया केसीएल बना दिया, क्या बना दिया केसीएल, कोई प्लस दो क्लोरीन है, इसे बाईस के आता है, दो क्लोरीन है तो यहाँ पे दो लगा दीजिए, दो पोटेशियम होगा दो कर दीजिए, आ गया समझ में। और आपको बता चुके हैं कुछ भी हो जाए मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा क्या फॉर्म करेगा सॉल्ट, क्या करेगा हमेशा यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा हमेशा सॉल्ट प्रोडक्ट होगा। सॉल्ट बना कि नहीं बना, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, आगे समझ में नहीं आया फिर एक और हम लोग लेते हैं सोडियम को लेंगे और इसके साथ कोई भी हम लोग जो हम लोग का नॉन मेटल उसके साथ रिएक्शन करा देंगे। आप देखो गौर से, ये सोडियम है, क्या है सोडियम, सोडियम प्लस वन में रहता है, ब्रोमीन किस में रहता है माइनस वन में रहता है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, इसका वन यहाँ आएगा, इसका वन यहाँ आएगा। गौर से देखिए एनए के नीचे कितना लिखा वन और बीआर के नीचे वन लिखा है, एनए बीआर लिखिए, एनए वन बीओआर वन भी लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए क्या बाबू ये भी सॉल्ट है, क्या ये भी सॉल्ट आ रहा समझ में। कोई भी मेटल लीजिए, कोई भी नॉन मेटल लीजिए, जब रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा हमेशा आपका सॉल्ट बनाएगा। अच्छा चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और हम लोग लेने का प्रयास करते हैं, किसको ले ले, ऐसे ले लिए हम, लिखते हैं जिंक, क्या लिए जिंक ले लिए, जिंक को किसके साथ ऑक्सीजन के साथ कर दे, किसके साथ जिंक को हम लोग अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ कर देंगे तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा बुआ ये जिंक ऑक्साइड बना देगा, ये भी देखिए क्या बना दिया ये जिंक ऑक्साइड बना दिया। ये भी क्या होता है ना, ये भी इसमें बेसिक नेचर होता है, क्या होता है बाबू बेसिक नेचर, लेकिन ये भी किस तरह का दिखाता है अपने आपको सॉल्ट प्रवृत्ति का दिखाता है, क्यों क्योंकि मेटल जब नॉन मेटल के साथ करेगा तो ये आपका क्या बना दिया जिंक ऑक्साइड बना दिया। आगे समझ में, ऐसे करें क्या होता है कोई भी मेटल हो अगर आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा सॉल्ट बनाएगा। आप देखिए जैसे हम क्या करते हैं कोई और लेके देख लेते हैं, मेटल हमारे पास बहुत सारा है, एल्यूमिनियम लिए, एल्यूमिनियम को किसके साथ कर दे, किसके साथ कर दे एल्यूमिनियम को हम लोग, एल्यूमिनियम को N2 के साथ कर दे, किसके साथ N2 के साथ कर दिए। आप गौर से देखिए बाबू एल्यूमिनियम पर प्लस थ्री चार्ज होता है और नाइट्रोजन पर क्या कौन सा चार्ज होता है, नाइट्रोजन पर माइनस थ्री चार्ज होता है, होता है कि नहीं होता है। तो गौर से देखिए ये दोनों एक दूसरे से करेगा तो क्या बनाएगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इस तरह से बनाएगा, ये फॉर्म होता है क्योंकि तुम्हारा नाइट्रोजन पर माइनस थ्री होता है, इस पर प्लस थ्री होता है, एक दूसरे को क्या करेगा बैलेंस कर देगा। तो गौर से देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा तो कितना एल्यूमिनियम तीन को यहाँ पे तीन कर दीजिए, नाइट्रोजन कितना है यहाँ तीन है, यहाँ पे कितना कर दीजिएगा गौर से देखिए, इसे कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जैसे तीन करेंगे तो कितना ये छह हो गया, एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा यहाँ पे तीन है, यहाँ भी तीन है, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो गया तीन, इसलिए यहाँ पे कितना कर देंगे, यहाँ अगर हम छह करते कितना छ, यहाँ पे कितना कर देंगे छह कर देंगे, ये बैलेंस हो गया। अगर समझ में, कोई भी आप मेटल लीजिए, कोई भी नॉन मेटल लीजिए, हमेशा वो क्या करेगा हमेशा आपका सॉल्ट बनाएगा। एक और लीजिए, चलिए हम किसको लेते हैं कैल्शियम को लेते हैं, कैल्शियम अगर किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, मालूम है कैल्शियम प्लस टू देता है सीएल माइनस वन देता है, एक दूसरे का इसका वन यहाँ आएगा इसका टू यहाँ आएगा, गौर से देखिए कैल्शियम पर वन होगा क्लोरीन पर टू होगा, ये क्या बनाता है सॉल्ट बनाता है। आगे समझ में, इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, जो भी रिएक्शन पार्टिसिपेट कर सकता है वो मेटल करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा सॉल्ट बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। आगे समझ में, अब क्या करते हैं इसको और थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ते हैं, यहाँ पे मेटल लिए है यहाँ पे नॉन मेटल लिए है ना, आप क्या करते हैं इसका थोड़ा सा लेते हैं नॉन मेटल को, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या फॉर्म होता है। आगे समझ में, मेटल को नॉन मेटल के साथ लिए, अब नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ लेंगे तो क्या बनता है उसको हम लोग अब देखते हैं अच्छे से। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, यहाँ समझना बहुत ही आसान है। आपको क्या लगता है केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है, समझने का फेर है, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, केमिस्ट्री देखिए आपका कितना आसान हो जाएगा। आप क्या करते हैं हम लोग समझते हैं किसका अगला पढ़ते हैं हम लोग किसको, नॉन मेटल, इसका नॉन मेटल का रिएक्शन अगर नॉन मेटल के साथ होगा तो क्या बनाएगा, क्या होगा नॉन मेटल के साथ होगा तो क्या रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको हम लोग अभी दिखाते हैं, फिर आप खुद बोलिएगा कि सर यहाँ पे ये प्रोडक्ट डालिए ये एसिड होगा बेस होगा या आपका सॉल्ट होगा यहाँ पे बताएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या नॉन मेटल हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है कि नहीं, लिख दिए, यहाँ पे नॉन मेटल क्लोरीन को लिख दिए, है कि नहीं दोनों नॉन मेटल है कि नहीं है, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन पर प्लस वन होता है क्लोरीन पर माइनस वन होता है,
इसका वन यहां लिखिए, इसका वन यहां लिखिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, HCl बना दिया। क्यों वन यहां पे रखिए या वन यहां पे रखिए, बात बराबर पड़ेगा, दोनों HCl बोलिए, H1Cl1 बोलिए, सेम पड़ेगा। आप गौर से बताइए बाबू, HCl क्या है? सॉल्ट है? नहीं। बेस है? नहीं। क्या ये एसिड है? क्या ये बाबू ये एसिड है? क्या है? एसिड। इसका मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना दे? एसिड। हम लोग एक और चेक करते हैं, नंबर वन किए, नंबर टू एक और चेक करते हैं कि सही में नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके एसिड ही बनाता है या कुछ और बनाता है। देखिए क्या करते हैं हम, और चेक करते हैं, किसको चेक कर ले, किसको चेक कर ले, अब हम कर लेते हैं किसको, हाइड्रोजन को रखिए, और किसको चेक कर ले, क्लोरीन को चेक कर लिए, आप किसको कर ले, हम लोग कर लेते हैं बीआरटीओ, किसको बीआरटीओ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप उसको रखिए, गौर से देखिए, फिर यहाँ पे सेम चीज बनाया, क्या बना दिया, एचबीआर। और बताइए एचबीआर क्या है? एसिड है। क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या होता है बाबू? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। आ रहा कुछ समझ में? और देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन की तो भरमार है, हम लोग चेक करते चलना है कि सही में नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड ही बना रहा है कि कुछ और बनाएगा, चेक करते हैं। अगर मान लीजिए H2 लिए, फिर हम लिए सल्फर डाइऑक्साइड लिए, फिर क्या किए हम लोग, ये लिए, क्या लिए, इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको? नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीकरण में असहाय करता है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा चाहिए, यहाँ पे इसको लगाइएगा तो ये क्या ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन जब SO2 के साथ रिएक्शन करेगा, सिंपल सी बात है, गौर से देखिए यहाँ पे कौन कौन मेटल है, मतलब कौन कौन एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तीन है कि नहीं है, इससे क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। आगे समझ में? H2SO4 कैसे बनता है? हाइड्रोजन जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, उत्प्रेरक में ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीडेशन करते हैं, उस समय किसको देते हैं, नवजात जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसका यूज करते हैं, तो क्या बनता है मेरे पास, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी आप संतुलित कर सकते हैं, यहाँ पे संतुलित करना, कर लीजिए, हाइड्रोजन दो है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन कितना है, दो एक तीन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, चार। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लगा दे दो, तो देखिए दो ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन यहाँ, चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन इधर हो गया, चार ऑक्सीजन इधर हो गया, ये क्या मेरा हो गया, ये बताइए बाबू ये क्या है, सॉल्ट है कि ये क्या एसिड या बेस है, ये आप बोलिएगा एसिड है। इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि जो भी आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करे एसिड बनाएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे कि मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा क्या बनाता है, सॉल्ट। एक और चेक करते हैं, चेक करने का तो हम लोग के पास बहुत सारा है, एक और चेक करते हैं किसको, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले, किसको ले, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, क्या ले, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिए, क्या लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ गौर से देखिए, ये भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल है कि नहीं यहाँ पे है। अब देखिए नॉन मेटल की बात करें, यहाँ पे इसका ये नहीं कि कौन सा स्टेट में है, हम ये देख रहे हैं कौन सा यहाँ पे मतलब कौन सा एलिमेंट है, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है, इसका स्टेट हम चेक नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉन मेटल, नॉन मेटल को जब किसके साथ लेंगे, सोडियम क्या लेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ लेंगे, किसके साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ लेंगे, तो क्या बनाएगा, गौर से देखिए, यहाँ एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीन है कि नहीं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा नाइट्रोजन है, तीन है। और बताइए ये तीनों मिलके किस तरह का कंपाउंड को फॉर्म करता है, हम लोग को मालूम है किसको, HNO3 को, किसको करता है, HNO3 को, तो बताइए HNO3 क्या है, हम लोग को मालूम है, नाइट्रिक सॉल्ट नहीं, नाइट्रिक बेस नहीं बाबू, क्या है, नाइट्रिक एसिड, क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होगा, ये भी क्या बाबू, ये एसिड है। आप कोई बोला कैसे हुआ, गौर से देखिए, यहाँ पे आप कोई बोला संतुलित करके दिखाइए, तो संतुलित कर देते हैं, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन यहाँ कितना, एक, यहाँ पे दो कर दिए, इसको ये पेन से करते, किससे पेन से, इस पेन से करते, हाइड्रोजन कितना बाबू, दो है, दो लिख दिए। अब इधर हो गया ऑक्सीजन कितना, चार है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन तीन दो कितना हो गया, तीन दूनी छह हो गया, नाइट्रोजन कितना, दो है ना, यहाँ पे दो कर दिए, कर दिए दो। आप गौर से देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, छह, यहाँ ऑक्सीजन है, चार दो छह, ये संतुलित हो गया। आगे समझ में, ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नॉन मेटल हो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा आपको, एसिड बनाएगा। एक जगह छोड़ के, किसको, वाटर को छोड़ के, वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, दोनों नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे वाटर का फॉर्म करता है, जो वाटर क्या होता है, पीएच स्केल पे न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, ना एसिड होता है, ना बेस होता है, ना सॉल्ट होता है, ये न्यूट्रल होता है। आगे समझ में, इसका क्या होता है मेन, यहाँ पे ये इसके कारण होता है, यहाँ पे वो काम नहीं करता, ठीक है, नहीं तो सब क्या करता है आपका, ओरिजन करता है।
अब देखिए हम लोग समझ गए, जब मेटल नॉन मेटल के साथ करेगा हमेशा सॉल्ट बनाएगा, जब नॉन मेटल के साथ करेगा तो हमेशा एसिड बनाएगा। तो इससे हम लोग को यह प्रूफ होता है कि हम लोग हमेशा क्या होगा, नॉन मेटल क्या करेगा, हमेशा एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, हमेशा एसिड बनाएगा। आगे समझ में। अब क्या करते हैं हम लोग ना, अब एसिड देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग मेटल को किसके साथ, जल के साथ, किसके साथ, मेटल को जल के साथ करते हैं तो देखते हैं क्या बनाता है। हम लोग जानते हैं एलिमेंट तीन प्रॉपर्टीज का हो सकता है, मतलब तीन तरह का वो क्या कर सकता है, अपना गुण दिखाता है, कौन कौन, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड, तीन दिखाता है ना, तीन तरह का होता है। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि आपका जो एलिमेंट होता है वो कैसा होता है टेस्ट में, जिसे बात करता है टेस्ट में कैसा हो सकता है, तो तीन तरह का हो सकता है, कौन, या तो एसिड हो सकता है, या तो बेस हो सकता है, या तो सॉल्ट हो सकता है। हम लोग अभी किस किस को देख लिए, हम लोग अभी तक देख लिए जब मेटल नॉन मेटल के साथ करता है तो सॉल्ट बनाता है, टेस्ट देख लिए, जब नॉन मेटल के साथ करता है तो एसिड बनता है, वो भी देख लिए। अब हमको किसको देखना है, बेस को देखना है, उसको भी हम लोग बेहतरीन तरह से देखते हैं, अच्छे वे में देखते हैं। आप लोग इसे देखिए, अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपको एक काम करना, लाइक से सब्सक्राइब दबा कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं किसको, थोड़ा सा देखते हैं मेटल को, जब हम लोग किसके साथ, जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाता है, सही में वो आपका बेस बनाता है, या सही में वो आपका एसिड बनाता है, या आपको सॉल्ट बनाता है। अभी चेक करेंगे किसको, आप चेक करते हैं मेटल का रिएक्शन अगर किसके साथ हो, जल के साथ, किसके साथ हो, वाटर के साथ, किसके साथ, अगर वाटर के साथ हो तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो वाटर के साथ करेगा तो कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, यहाँ पे हम लोग का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा बाबू, हम लोग का जो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, क्या ये यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरह का होगा, एसिड होगा, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, क्या ये एसिड होगा, क्या ये बेस होगा, क्या ये आपका सॉल्ट होगा। हमारे पास ये तीन ऑप्शन है, इस तीन ऑप्शन में से क्या सही होता है, हम लोग क्या करेंगे अभी आपके सामने निकाल के सर चिट्ठा खोल देंगे इसके सबके, आप लोग के सामने इसका चिट्ठा खोलेंगे कि ये दोनों जब रिएक्शन करेगा क्या सच में आपका बेस बनाता है, क्या सच में आपका एसिड बनाता है, या क्या सच में आपका सॉल्ट बनाता है। इसका चिट्ठा भी आप लोग के सामने खोलेंगे और आप लोग खुद बोलिएगा कि ये क्या करता है। आइए देखते हैं हम लोग क्या बनाते हैं। जैसे मेटल है, मेटल में क्या करें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल को पकड़ते पोटेशियम, इसको वाटर के साथ, किसके साथ, एस्टो के साथ, यहाँ थोड़ा ऊपर लेते हैं, क्या जगह है तो क्यों हम लोग जगह बर्बाद करें, कुछ और क्वेश्चन इसमें आ सकता है। अब देखिए नंबर वन ये था मेरे पास, क्या नंबर वन लिख लिए, पोटेशियम पर हम लोग हमेशा जब प्लस वन होता है, इस पर बस देखिए यहाँ पे इसका ये दो यहाँ आएगा, ये एक छुपा यहाँ आएगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तो एच प्लस वन होगा वो माइनस टू होगा। अगर समझ में, अब क्या करेंगे गौर से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखिए, ये इसके साथ जाएगा प्लस माइनस के साथ, इसका दो यहाँ, इसका एक यहाँ, क्या बन गया बाबू, के टू ओ बन गया। अब गौर से ये किस रूप में रहेगा, एच टू के रूप में रहता है, किस रूप में रहता है, एच टू के रूप में, गैस के रूप में रहता है, ऐसा दिखा दे गैस के रूप में उड़ गया। अब बताइए बाबू यहाँ पर जो गौर से देखिए, यहाँ पर जब आपका मेटल जल के साथ रिएक्शन किया, क्या यहाँ पे बना है, गौर से देखिएगा, यहाँ पे बना है, बोल सकते हैं मेटल का ऑक्साइड बना है, क्या बना है, मेटल का ऑक्साइड, जो बेस नेचर का होता है, जब भी मेटल जब ऑक्साइड बनाता है ना, उसका नेचर को पूछे प्रकृति कैसा होता है, तो बेसिक नेचर का होता है, बेस बनाए के लिए बना है। एक तो ऐसे दिखाती है, एक और आपको दिखाते हैं बेहतरीन तरह से, उसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, K प्लस में होगा, यहाँ पे जब एक और तोड़ेंगे H प्लस और OH माइनस में, किस में तोड़ेंगे, H प्लस और OH माइनस में तोड़ेंगे। अब देखिए क्या करता है, अब हम लोग जानते हैं यहाँ वन छुपा है, यहाँ भी वन है, इसके नीचे इसका वन, इसका वन, यहाँ लिखिए क्या बन गया, गौर से देखिएगा क्या बन गया, K OH बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, H2O। आप गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेशियम के साथ OH हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हम बताए थे ना कि जब कोई भी मेटल का ऑक्साइड होता है वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है। यहाँ पर भी देखिए ये क्या हम लोग का हाइड्रोक्सी समूह है, वो किसके साथ आता है, मेटल के साथ है। जब भी याद रखिएगा, जब भी मेटल के साथ OH समूह आया, मतलब एक कैसे कंपाउंड बना है, क्या बना है, मेटल के साथ जब भी OH समूह आएगा एक कंपाउंड बनाएगा, वो कंपाउंड आपका कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, वो आपका होता है बेसिक नेचर वाला कंपाउंड। कौन सा नेचर होता है, बेसिक नेचर वाला कंपाउंड होता है। आगे समझ में। अच्छा चलिए, हम तो एक से देख लिए कि जब मेटल को जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेसिक नेचर एक जगह दिखाया,
लेकिन और चेक हम करना चाहेंगे, क्योंकि मनुष्य का प्रवृत्ति होता है कि वह एक के थ्रू वो अपने आप को सिद्ध ये नहीं कर सकता कि ये सही है कि गलत है। जब तक तीन चार ऐसा रिजल्ट निकाल के उस पर निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, उसका जो रिजल्ट आता है वहां ना पहुंचे, तब तक वो ये नहीं कह सकता कि सच में मेटल आपका जल के साथ रिएक्शन करके कौन सा नेचर लिखा था, बेसिक नेचर। इसलिए आपका बात मानते हुए क्या करेंगे, हम और सारा क्वेश्चन देखेंगे और वहां से इसको हम लोग निष्कर्षण पे निकलेंगे कि भाई बात सही है या गलत है। आप देखिए सोडियम लिए, सोडियम को किसके साथ जल के साथ कर दे, किसके साथ, जल के साथ, तो देखिए क्या बनाएगा। देखिए गौर से, आप क्या मालूम है सोडियम Na+ देता है, ये H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। इसको देखिए इसके साथ रखेंगे, क्या बना दिया, NaOH बना दिया, प्लस क्या निकल गया, गैस निकल गया। फिर यहां को पता चला कि धातु के साथ फिर क्या OH समूह आया, इसका मतलब अभी तक हम लोग सही है कि हाइड्रोक्सी समूह बनाया। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं, इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्यों, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सी समूह। क्या होता है बाबू, OH का मतलब होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। क्या होता है बाबू, इसका नाम हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, आप बताए यस वही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रो ऑक्साइड होगा। आगे समझ में, अभी और देखने के लिए देखना, अभी और देखेंगे, क्यों दो पे छोड़ेंगे, आपको पूरे अच्छे से समझाना, पूरे अच्छे से समझाना, पूरे अच्छे से बताना मेरी जिम्मेवारी है। आपको दो क्वेश्चन पे तो छोड़ने वाले हैं नहीं, आपको और क्वेश्चन दिखाएंगे जिससे आपको बेहतरीन तरह से आपको ये जो आज पढ़ रहे हैं पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, इसका कभी भी आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास कुछ जगह है यहाँ पे, कहाँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ जगह है, इस जगह पे हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए दो ले लिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। आप किसको ले लें, जैसे मान लीजिए हम किसको सोडियम के लिए, आप जिंक ले लेते हैं, किसको, जिंक को। जिंक को जब जल के साथ करेंगे सेम काम करेगा, क्या जिंक है यहाँ पे प्लस टू में दिखाएगा, ये एच प्लस और ओ एच माइनस में होगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना दिया, जिंक का टू इसके नीचे, इसका वन इस यहाँ आ जाएगा, तो जिंक के ओ एच के नीचे टू आ गया, एच टू आ गया। गौर से देखिए, जिंक ऑक्साइड बना कि नहीं बना, इसे क्या बोलते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड। और ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। क्यों, इसलिए कि जब भी मेटल जल के साथ रिएक्शन करेगा, जल क्या करेगा इसके साथ रिएक्शन के, OH ग्रुप देगा। OH का मतलब हाइड्रोक्सी समूह होता है, इसका क्या कर देगा, आसानी से आपको बेसिक नेचर दिखा देगा। आगे समझ में, कोई ये हमसे अभी तक पूछा नहीं कि सर क्यों हम लोग H2O जो लिखे हैं उसको H+ और OH- में तोड़ते हैं, इसे क्यों नहीं हम लोग, क्या इसे हम लोग क्यों नहीं H+ और O- में तोड़ते हैं। देखिए बाबू, इसे दोनों में तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। H2O को H+ OH- में तोड़िए या H+ और O- में तोड़िए, ये दोनों का दोनों जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का ही दिखाएगा। या क्यों नहीं, मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ऑक्साइड बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया, ये भी आपका बेसिक नेचर ही दिखाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखाएगा। और यहां भी, जब यहां भी मेटल OH के साथ रिएक्शन करेगा तो भी बेसिक नेचर ही दिखाएगा। इसका मतलब मेटल जल के साथ दो तरह से अभिक्रिया करेगा, एक बार ऑक्साइड के रूप में, वहां भी बेसिक नेचर, एक बार आपका किस रूप में करेगा, OH ग्रुप में करेगा, वहां भी ऑक्साइड के रूप में दिखाएगा। आगे समझ में, हम यहाँ पे बेसिक नेचर पढ़ रहे थे इसलिए ऊपर गए, ऑक्साइड वाला इसे पहले पढ़ चुके थे। आगे समझ में, तो इससे ये सिद्ध होता है इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद और इतना अच्छे निष्कर्ष निकालने के बाद कि हम लोग का जब भी मेटल जल के साथ रिएक्शन करेगा तो इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, ये बनाएगा। क्या बनाएगा, ये बनाएगा। आगे समझ में, कुछ है इसमें नहीं है तो हम लोग ये भी समझ लिए कि जो कोई भी एलिमेंट होता है उसका टेस्ट तीन ही तरह से देख सकते हैं, कौन कौन, या तो वो आपका सॉल्ट होगा, या तो एसिड हो सकता है, या तो बेस हो सकता है। और तीनों को हम लोग जान लिए कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एसिड कैसे प्राप्त, सर एसिड प्राप्त कर ले, सबसे पहले तो नॉन मेटल, जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा एसिड देगा और कुछ नहीं देगा। अगला, अगर नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा सॉल्ट देगा। आगे समझे, मेन प्रोडक्ट सॉल्ट रहेगा।
तीसरा नंबर, जब मेटल अगर H2O के साथ मतलब हाइड्रोक्सिल समूह OH- के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा बेसिक नेचर दिखाएगा। एक और है, अगर मेटल आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड दिखाएगा, वो भी आपका बेसिक नेचर का होता है। आगे समझ में? तो कुछ था कुछ नहीं था। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों कहीं भी मेटल नॉन मेटल और क्या बोल सकते एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड आगा कोई भी कंपाउंड या कोई भी रिएक्शन आगा तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको इसको अच्छे से देखें, नहीं समझ में आए बार बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और अभी दीपावली चल रहा है, छठ आने वाला है, तो छठ पूजा के हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, आप लोग अच्छे से मनाइएगा। हम लोग क्या करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नए नए कंसेप्ट वाला चीज लेके आते रहेंगे। तब तक हम लोग क्या करते हैं, अलविदा एक दूसरे से लेते हैं। जय हिंद।